गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टेप टू स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको डेट एंड मेंशन करना है, सी इट बिकम्स प्लांट। इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव रीड अबाउट द प्लांट्स। आपने आपकी पिछली कक्षाओं में प्लांट के बारे में पढ़ा होगा। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर यूज एज फूड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग पार्ट्स एज फूड यूज किए जाते हैं और अलग अलग वेज में। The names of some food items are given below in the table. कुछ food items के name आपको इस table में दिए गए हैं। Write the name of the part of the plant. आपको उसका बताना है कौन सा part होता है वो plant का। Which we use as food, जिसे हम as food use करते हैं। Rice के कौन सा part होता है? Seed, apple, fruit, carrot, root, pearls millet, seed, radish, root और onion भी root। ये हो गए डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट वेज इसके। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, अब आपको बताएं फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। मोनू कुड यू लुक, मेनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर सीन अंडर द नीम ट्री। क्या बताता है मोनू? कुड यू देखो, बहुत सारे नए और छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पे? अंडर द नीम ट्री, नीम ट्री के नीचे। एंड इन द पोट ऑफ हॉली बेसिल प्लांट, और जो गमला है हॉली बेसिल यानी तुलसी का जो गमला है उसके अंदर। गुड्डी, यस ब्रदर देयर आर मैनी स्मॉल प्लांट्स। हाँ भैया, यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल प्लांट्स हैं। फ्रॉम वेयर हैव दे कम, ये कहाँ से आए? हु ब्रॉट दिस प्लांट्स हियर, और इन प्लांट्स को यहाँ कौन लाया है? मोनू, गुड्डी दिस प्लांट्स ग्रो ऑन देयर ओन। गुड्डी, ये सारे प्लांट्स अपने आप ही उगते हैं। इन द रेनी सीजन, कौन से सीजन में? रेनी सीजन में। गुड्डी ब्रदर, आई हैव अप्रूटेड वन ऑफ दिस प्लांट्स। मैंने इनमें से एक पौधा अप्रूटेड यानी उखाड़ लिया है, निकाल लिया है जमीन में से। लुक व्हाट इज सीन इन इट, देखो इसमें क्या दिख रहा है। मोनू, गुड्डी दिस इज अ चिकपी, ये किसका पौधा है? चने का प्लांट। एंड वी कैन सी इट्स रूट कमिंग आउट ऑफ द सीड फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड। हम इसे देखेंगे कि इसे चने के इसका जो बीज है उसके नीचे से इसकी रूट निकल रही है। द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली, पूरा प्लांट जो है वो सिर्फ इस रूट से ही बनता है। लेट अस पुट इट बैक इन द सॉइल, इसे वापस आप कहाँ पर डाल दो? सॉइल में ही रख दो। जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, जर्मिनेशन होता है अंकुरीकरण एक बीज का। ऑन द फेस्टिवल ऑफ बज पारस आप देखेंगे अभी कुछ दिनों पहले जो निकली, वत्स द्वादशी जिसे बोलते। गुडिस मदर सॉक्ड मूंग मोट एंड चना ग्रेन्स इन वाटर एंड टाइड देम इन अ कॉटन क्लॉथ। क्या किया इन्होंने? सबसे पहले तो उनको जो मूंग चना इनको पानी में भिगोए, भिगोने के बाद इनको द नेक्स्ट मॉर्निंग When she took out the moong, moat, chana seeds for worship, Gudi asked mother. जब next morning जब देखती है वो worship के लिए सारी चीज़ें रखते हैं तो गुड्डी पूछती है उसकी मदर से। गुड्डी, मदर what is this? Thread like white outgrowth emerging from inside the green grams. गुड्डी पूछती है कि मम्मी ये क्या है जो वाइट आउटग्रोथ में से उभरता हुआ जो दिख ग्रीन ग्राम्स में से वाइट कलर का जो थ्रेड टाइप उभरता हुआ दिख रहा है वो क्या है? मदर दिस इज इट्स रूट, यह इसकी रूट है। आफ्टरवर्ड्स द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द दिस रूट ओनली। क्या बताती है उसकी मदर कि जो पूरा प्लांट है वो इसी रूट से उगता है। दिस इज नोन एज जर्मिनेशन, और इसी को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं, यानी कि उस रूट से जो पूरा प्लांट उगता है उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको ये एक्टिविटी करनी है और सेल्फ इसका जो ऑब्जर्वेशन है उसे लिख कर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है आफ्टर फोर डेज। और जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपके पास इन क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच बाउल द ईयर इज मोर जर्मिनेशन। ये सभी जो क्वेश्चन है ये आपको आंसर तब मिलेंगे जब आप ये एक्टिविटी करेंगे। तो आप मुझे ये एक्टिविटी 4 डेज बाद कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन करके मुझे सेंड करेंगे। ऑब्जर्व एंड नोट द रिजल्ट, ऑन द डे ऑफ नवरात्र स्थापना, नवरात्र स्थापना के दिन यू मस्ट हैव सीन वाइट मिलेट। आपने देखा होगा जो वाइट मिलेट होते हैं, ज्वार जिसे बोलते हैं,
ग्रोन इन नियर बी टेम्पल्स एंड हाउसेस अल्सो, उसको टेम्पल्स और हाउसेस में लगाए जाते हैं। टेक ए ट्रांसपेरेंट कंटेनर, एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर को लीजिए, पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड इन इट, अलग अलग टाइप के सीड इसमें रखिए, एंड कवर द सीड विथ सॉइल, और उसको सॉइल से कवर कर लीजिए। नाउ नोट द चेंजेस गोइंग ऑन इन द कंटेनर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको क्या करना है, जो चेंजेस है उसको आपको नोट करना है और आपको ऑब्जर्वेशन जो है आपको यहाँ बताना है। तो ये भी आप इस ऑब्जर्वेशन को एक्टिविटी को करके फिर आप बताएंगे, और इसे भी आप पिक क्लिक करके सेंड करेंगे। प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स, ऐसे प्लांट्स जो बिना बीज के उगते हैं, तो कैसे उगते हैं ये देख बताएंगे आपको। ड्यूरिंग रेनी सीजन यू मस्ट हैव सीन स्प्राउट्स, यानी कि जर्मिनेशन, अंकुरीकरण ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटोस केप इन योर होम। आपने देखा होगा रेनी सीजन में जो पोटैटोस होते हैं हमारे घर पे, वो अंकुरित होने लग जाते हैं। इफ वी बरी दिस पोटैटो इन ए पॉट कंटेनिंग सॉइल, अगर हम इसको पॉट कंटेनिंग सॉइल में इन जो अंकुरित पोटैटो है उन्हें हम सॉइल में डाल देते हैं या रख देते हैं या दबा देते हैं, ए पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट, और इससे क्या होता है, एक पोटैटो प्लांट उग जाता है। सिमिलरली इफ वी पुट अ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा जिसे कहते हैं, इन अ पॉट कंटेनिंग ऑयल, देन ए न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम द लीफ। और इसी तरह अगर हम पत्थर चट्टा जो होता है इसको भी हम सॉइल में डाल देते हैं तो ये भी उग जाता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करके इसका ऑब्जर्वेशन करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू।